यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम फाइटर बॉम्बर की तैनाती के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। इसराइल की खुफिया फर्म इमेजसैट इंटरनेशनल ने दावा किया है कि रूस ने फिनलैंड के ओलेया एयरबेस पर TU-160 और TU-95 विमानों की तैनाती कर दी है। ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या रूस फिर से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि 21 अगस्त को सैटेलाइट इमेज में दिखा TU-160 न्यूक्लियर फाइटर बॉम्बर, 25 सितंबर को सैटेलाइट इमेज में दिखा TU-95 न्यूक्लियर फाइटर बॉम्बर, 12 अगस्त से पहले एयरबेस पर फाइटर बॉम्बर की तैनाती नहीं थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओलेया एयरबेस पर मौजूद रूसी बम वर्षक एंगेल्स एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं। एंगेल्स एयरबेस यूक्रेन के पास रूस का एकमात्र बम वर्षक केंद्र है। मिसाइल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम बॉम्बर वहाँ युद्ध की शुरुआत से ही एक्टिव है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि एयरबेस पर बॉम्बर की तैनाती क्यों की गई है, लेकिन पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी के बाद ये तैनाती परेशान करने वाली है।